हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारत की प्रसिद्ध कला मीनाकारी। आइए इस अद्भुत कला के बारे में जानते हैं और एक क्राफ्ट भी तैयार करते हैं। मटेरियल्स में मैंने फेविक्रिल ग्लास कलर यूज किए हैं, एक्रेलिक कलर्स ब्लैक, वाइट, क्रिम्जन रेड, अल्ट्रामेरिन ब्लू। 3D कॉन्स में मैंने गोल्ड एंड ब्लैक आउटलाइनर्स यूज किए हैं। मैंने यहाँ पर MDF बोर्ड बेस लिया है, आप चाहें तो कैनवास भी ले सकते हैं। बोर्ड की फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे हैंडमेड गेसो बनाया है। इसकी रेसिपी जानने के लिए कमेंट जरूर करें। गेसो को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बोर्ड पर लगा लें और ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब ये ड्राई हो जाए तो अपना मनपसंद डिजाइन ट्रेस करें। ट्रेस करने के बाद बोर्ड को व्हाइट एक्रेलिक से पेंट करें। वीडियो को फॉलो करें। मैंने यहाँ पर डिजाइन के सेंटर को कलर करने के लिए क्रिम्जन रेड कलर का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, मोटिव के आसपास पतले ब्रश से पहले आउटलाइनिंग करें, उसके बाद कलर फिल करें। कलर करते वक्त इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि कलर मोटिव के अंदर ना फैले। इसके लिए आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। उसी पैलेट में जहां रेड कलर यूज किया था, व्हाइट शेड मिक्स करें और मोटिफ के अंदर रंग भरना शुरू करें। इंट्रिकेट डिजाइन्स को छोड़कर खाली जगह पर रंग भरें। डिजाइन का लुक इनहेंस करने के लिए 3D गोल्ड आउटलाइनर का इस्तेमाल करें और डिजाइन को आउटलाइन करें। मैंने यहाँ पर फेविक्रिल 3D गोल्ड आउटलाइनर यूज किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस अद्भुत आर्ट की उत्पत्ति पर्शिया में हुई थी, जिसे बाद में मुगलों द्वारा भारत में लाया गया था। भारत में मेवाड़ के राजा मानसिंह के द्वारा ये कला लोकप्रिय हुई। मीनाकारी सोने, चांदी तथा पत्थर पर रंग भरने की कला को कहते हैं। यह आमतौर पर गहनों और मेटल की वस्तुओं में की जाती है। भारत में इसे कुंदन आर्ट भी कहा जाता है। पूरे डिजाइन को 3D गोल्ड आउटलाइन से आउटलाइन करें। दोस्तों, मीनाकारी आर्ट में ग्लास कलर्स का इस्तेमाल होता है। मुख्य तौर पर इनमें इंट्रिकेट डिजाइन्स बनाए जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, ये क्राफ्ट आपके घर की दीवारों को ट्रेडिशनल टच देगा और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे खुद बना रहे हैं। ऐसे ही ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, आपके लाइक कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं आपके बीच भारत की ऐसी ही रोचक कलाओं को आपके सामने लाने के लिए।
डिजाइन को आउटलाइन करने के बाद आइए अब इसमें रंग भरना शुरू करते हैं। एक पैलेट लें और इनमें अपने पसंदीदा ग्लास कलर्स डालें और जहां पर आपने आउटलाइनिंग की है उसके अंदर रंग भरना शुरू करें। आप पतले ब्रश की मदद ले सकते हैं। ब्रश की मदद से कॉर्नर के डिजाइन्स को एक समान कलर भरें। कॉर्नर के डिजाइन्स में कलर भरने के लिए मैंने सी ग्रीन, येलो, रेड, पिंक कलर्स का इस्तेमाल किया है। डिजाइन में वाइन्स में मैंने ब्राउन कलर यूज किया है और लीव्स में ग्रीन कलर यूज किया है। इंट्रिकेट डिजाइन्स को फिल करने के बाद जो सरफेस बच गई है उस पे वाइट ग्लास कलर भरें। ऐसा करने से आपकी पेंटिंग मार्बल लुक देगी। एलिफेंट मोटिफ को भी ग्लास कलर से डेकोरेट करना शुरू करें। मोटिफ को डिजाइन करने के लिए मैंने ब्राउन, रेड, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज कलर्स यूज किए हैं। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ग्लास कलर्स करते वक्त बबल्स ना आने दें। अगर बबल्स क्रिएट होते हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। मोटिफ की आंख बनाने के लिए ब्लैक 3D आउटलाइनर का यूज करें। अब
एक पैलेट में ब्लैक एक्रेलिक करें। पेंटिंग का लुक बढ़ाने के लिए इसके बॉर्डर्स को ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट करना स्टार्ट करें। दोस्तों, आपका मीनाकारी क्राफ्ट तैयार है। है ना ये कला मनमोहक? सच कहा ना? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।